रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एनिमल का जलवा अभी तक बरकरार है। रणबीर की इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, जिसे तोड़ पाना शायद काफी मुश्किल हो। इस बीच फिल्म ने रिलीज 31वें दिन एक नया कमाल कर दिखाया है। रणबीर की इस फिल्म ने महज 31 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म पठान को पछाड़ दिया है। जी हाँ, एनिमल ने 31 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है, चलिए जानते हैं। वेल, शाहरुख खान की फिल्म पठान ने जनवरी में रिलीज करके 543.05 करोड़ रुपए की कमाई की थी। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल दिसंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म एनिमल ने 537.17 करोड़ रुपए कलेक्शन किया। अब ऐसे में जो है, इस फिल्म ने टाइगर 3, गदर 2 और साथ ही साथ जवान जैसे फिल्म का रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिया है। जिस हिसाब से ये फिल्म आगे बढ़ रही है, ना जाने क्या क्या कारनामे करती हुई दिखाई देगी। वैसे आपको बता दें कि रणबीर कपूर की ये फिल्म एनिमल पसंद तो सबको आ रही है, लेकिन इसकी निंदा भी बहुत लोग कर रहे हैं। यानी कि फिल्म भी सबको देखनी है और निंदा भी सभी को करनी है। वैसे आपकी क्या राय है, आपको फिल्म कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।